आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने के उपरांत उनको यज्ञ स्थल पर लौट जाने के लिए कह रहे हैं, किंतु ये ब्राह्मण पत्नियां अपने पति, पुत्र, भ्राता और आत्म स्वजनों को त्याग करके ये भगवान कृष्ण के पास आई हैं। और वे अच्छी तरह जानती थी कि ये अब यदि लौट जाएंगी तो ये उनके पति, भ्राता, पुत्र आदि उनको ग्रहण नहीं करेंगे, और ऐसे तो उनको लौटने की कोई कामना ही नहीं थी। उन्होंने सब कुछ त्याग करके, परिवार को त्याग करके ये लोग कृष्ण के पास आए थे, किंतु अब भगवान श्री कृष्ण उनको अपने पतियों के पास यज्ञशाला में लौट जाने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो यह सुनकर ब्राह्मण पत्नियां रो पड़ी और वो अत्यंत विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर उनके चरण की धूलि को अपने मस्तक में लगाते हुए ये भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है। तो कह रहे हैं, मां एवं विभो अर्हति भवान गदितुं संस। तो ब्राह्मण पत्नियां उसी प्रकार कह रही है जिस प्रकार गोपियों ने कहा था। जब गोपियां भगवान कृष्ण के बंसी वादन से आकृष्ट होकर उनके पास आई थी, तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको भी ऐसा ही आदेश दिया था, किंतु गोपियां लौट करके घर नहीं गई थी। अब ब्राह्मण पत्नियां भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि हे कृष्ण, आप विभु हैं, आप सर्वशक्तिशाली हैं, परम पुरुष भगवान हैं, इसलिए आपके लिए इस प्रकार कठोर वचन बोलना ये उचित नहीं है। सत्यं कुरुस्व निगमं तव पादमूलम्। तो कहते हैं कि आपने शास्त्र में जो बताया है, जो उपदेश दिए हैं, आप कम से कम उन उपदेशों को तो सत्य प्रमाणित करें। और भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है शास्त्र में कि ये यथा मं प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि। ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो जिस प्रकार उनकी शरण में आता है तो भगवान कृष्ण उसी प्रकार उसको फल देते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो ये ब्राह्मण पत्नियां उनकी शरण में आई हुई है, और कृष्ण के लिए उचित नहीं है कि कोई शरण में आए हुए व्यक्ति को लौटा दे, ग्रहण ना करे।
तो ब्राह्मण पत्नी इसलिए कह रहे हैं कि आपने शास्त्रों में जो उपदेश दिया है, जो प्रतिज्ञा की है, उसको तो सत्य प्रमाणित कीजिए। सत्यं कुरु स निगमं तब पाद मूलं प्राप्ता भयम्। हम लोग अपने परिवार, पति पुत्र, आत्मीय स्वजन, इनका त्याग करके आपके चरण कमल में आई हुई, और आपने कहा है कि जो आपके चरण कमल में आश्रय ग्रहण करता है उसका फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आप के पास जो आया हुआ है उसको ग्रहण करना ये आपका कर्तव्य है। आप उनको लौटा नहीं सकते। अगर आप उनको लौटा देते हैं तो आपका वचन मिथ्या प्रमाणित हो। इसलिए कहते हैं कि हम लोग आपके चरण कमलों में आई हुई हूँ, तो सत्यं प्राप्त भयं तुलसीदाम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों से कि तुम लोगों का यहाँ रहना मेरे साथ उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग ब्राह्मणों की पत्नियां हैं और हमारे पास आप लोगों का रहना ये उचित नहीं है, और संसार की दृष्टि से भी लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे। किंतु ब्राह्मण पत्नियां कह रही है कि जब हम आपके चरणों में शरण ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि आपने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, तो आप कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके आपकी शरण में आने के लिए, तो हमने गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दिया है आपकी शरण में आने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोग लौट जाइए? ये तो प्रतिज्ञा आप नहीं करते हैं। भगवद गीता में आप कहते हैं आपकी शरण में आने के लिए और सारे धर्मों को त्याग करके, तो हम लोग तो अपने सारे धर्म को त्याग करके आपके पास आई हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि आप लौट जाने के लिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोगों का हमारे साथ रहना उचित नहीं है, तो ब्राह्मण पत्नियां कह रही हैं कि ठीक है, हम आपके साथ नहीं रहे, किंतु हम इस वन में ही रहें, बंदे भी बनकर, और आप जब विचरण करेंगे इस वन में, गोचरण करने के लिए आएंगे, तो उस समय आप तुलसी की माला पहनते हैं, पुष्प की माला और तुलसी की माला भी पहनते हैं, तो आपकी आपकी गले से आपके गले से तुलसी की माला जब गिर जाए तो उस माला को हम लेकर अपने मस्तक में धारण करें और उसी में हम आनंद का अनुभव करें। हम लोगों को आपके पास रहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आप हमें त्याग मत कीजिए, आप अपने पास हमें मत रखिए, हम किंतु इस वृंदावन में ही रहेंगे। हम जिस गृह को त्याग करके आई हैं हम वहां लौट नहीं सकते। केसर निबूढ़ अतिलंग समस्त बंधु। तो हम लोग जिन बंधु बांधवों को, आत्मीय स्वजनों को, परिवार को त्याग करके आई हैं, पुनः हम उनके पास कैसे जाएंगे? ये कहने का अर्थ है।
गृणन्ति नो न पतयो पितरौ सुतावा न भ्रातृबंधु श्रोत कुत एव चान्ने। तो ब्राह्मण पत्नियां कह रहे हैं कि यदि हम लौट कर जाएंगे भी तो अब हमारे पति लोग हमें ग्रहण नहीं करेंगे और पिता माता पुत्रगण संतानगण भ्रातृ भ्रातागण बंधु आत्मीय स्वजन ये हमें ग्रहण नहीं करेंगे। फिर दूसरों की बात क्या कहा जाए, समाज हमें ग्रहण नहीं करेगा। तस्मात् भवत् प्रपदयो पतितात्मनानो। तो एक ब्राह्मण की पत्नियां जब इस प्रकार कह रही है भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही है और इस प्रकार वो निवेदन कर रही है कृष्ण से कि तस्मात् भवत् प्रपदयो, हम लोगों ने आपके चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है। तो पतितात्मना, हम लोग अत्यंत पतित हैं और आपके चरणों में हम गिरे हुए गिरी हुई है, इसलिए हम लोगों को त्याग मत कीजिए। नान्य भवेत गति अरिंदम तद विदे। आपके अतिरिक्त हे अरिंदम, हे शत्रु दमनकारी कृष्ण, आपके अतिरिक्त हमारी और कोई गति नहीं है, इसलिए आप जिस प्रकार शत्रुओं का विनाश करते हैं उसी प्रकार आपके चरण कमल में आश्रय ग्रहण करने की हमारी जो इच्छा है और इस इच्छा में जो बाधा बन रही है, जो बाधा उत्पन्न हो रही है, आप उस बाधा को दूर कर दीजिए जिससे कि हम आपके चरण कमलों का त्याग नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों से कि पतयो नाभ्य स्वेरन। तो कृष्ण कहते हैं कि आप लोग लौट जाइए, आप लोगों के मन में जो शंका है कि आपके पति लोग आपको ग्रहण नहीं करेंगे ये सत्य नहीं है। मैं वचन देता हूँ आपके पति लोग आपके प्रति ईर्ष्या परायण नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे। पितृ भ्रातृ सुतादय, और केवल पति नहीं आपके पिता माता भ्रातागण संतानगण ये कोई भी आपके विरुद्धाचरण नहीं करेंगे। लोकाश्च वो मयोपेता, और साधारण लोगों की बात क्या है, तो मैं सभी को समझा दूंगा। तो भगवान कृष्ण कैसे जाकर समझाएंगे सभी को, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और परमात्मा के रूप में हमें वो प्रेरणा देते हैं, अंतर से प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त ज्ञान स्मृति शक्ति और विस्मृति का कारण मूल, सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानं अपोहनं च। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ज्ञान स्मृति शक्ति और विस्मरण शक्ति आती है। इसका अर्थ है कि हमारे ज्ञान को स्मृति शक्ति को और विस्मरण शक्ति भूल जाने की शक्ति को भगवान कृष्ण नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हम सबको समझा रहे हैं और अंतर में बैठकर यदि भगवान कृष्ण किसको प्रेरित कर रहे हैं तो लोग अपने आप उस ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, समझ जाएंगे।
पुनः कह रहे हैं देवा अपि अनुमन्नत, और देवतागण भी इसका अनुमोदन करेंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण गण यज्ञ कर रहे हैं और उस समय जो यज्ञ अनुष्ठान होता था उस यज्ञ अनुष्ठान में देवतागण सशरीर वहाँ उपस्थित रहते थे, आजकल यज्ञ अनुष्ठान में कोई देवता नहीं आता है, क्योंकि आजकल के यज्ञ अनुष्ठान में उस प्रकार उपयुक्त ब्राह्मण नहीं है जो वेद मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से कर सके। इसलिए कलयुग में यज्ञ अनुष्ठान विफल है, केवल एकमात्र यज्ञ अनुष्ठान सफल है नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही नाम संकीर्तन यज्ञ कलयुग में एकमात्र सफल यज्ञ, और कोई यज्ञ सफल नहीं है, इसलिए देवता लोग नहीं आते हैं। किंतु प्राचीन काल में जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे उसमें देवतागण सशरीर वहाँ उपस्थित रहते थे, सभी लोग देख सकते थे उनको, और केवल देवतागण नहीं स्वयं भगवान भी उपस्थित होते थे। तो ये यज्ञ अनुष्ठान का महत्व है। तो ये ब्राह्मणगण जब यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देवतागण वहाँ उपस्थित होंगे, और ब्राह्मणगण अवश्य देवताओं से पूछेंगे कि हमारी पत्नियाँ ऐसे चली गई है कृष्ण के पास और हमारे रोकने पर भी वो नहीं रुकी, तो हम लोग क्या करना चाहिए। यद्यपि ये ब्राह्मण मूर्ख थे, ये नहीं जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो स्वयं परम पुरुष भगवान है, किंतु ये लोग जब देवताओं से पूछेंगे तो देवता लोग तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, तो देवता लोग उनको बताएंगे कि नहीं नहीं कृष्ण भगवान है, तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि हर प्राणी का यही एकमात्र कर्तव्य है कि वो कृष्ण के पास जाए, वो सभी के प्रभु हैं, सभी के प्रिय हैं, इसलिए हर प्राणी इनका कर्तव्य है कि वो भगवान कृष्ण की शरण में जाए, अपना समस्त भौतिक संपर्क को त्याग करके कोई कृष्ण की शरण में जाता है तो वो तो परम सौभाग्यशाली है। इसलिए देवतागण ब्राह्मण गणों को ये समझाएंगे कि तुम्हारी पत्नियां सौभाग्यशालिनी है जो कृष्ण के पास गई है, उनकी शरण में गई, तुम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। तुम लोग मूर्ख हो जो भगवान कृष्ण को खाना नहीं दिया मांगने पर भी, किंतु तुम्हारी पत्नियां सौभाग्यशालिनी उससे खाना लेकर खाद्य लेकर गई हैं कृष्ण के पास भोग लगाने के लिए। हम मंदिर में भोग लगाते हैं, हम नहीं जानते हैं कि भगवान हमारा भोग ग्रहण करते हैं या नहीं, किंतु ब्राह्मण पत्नियों का भोग तो कृष्ण स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, साक्षात वहाँ उपस्थित हैं और मांग करके खा रहे हैं। तो देवता लोग इस प्रकार समझाएंगे ब्राह्मण को, तो ये तुम्हारे प्रति कोई ईर्षा भाव नहीं रखेंगे। न प्रीतये अनुरागा ही अंग संगो नृणंगे तन्मनोमयी युंजाना अचिरात मांग अवापसत। तो भगवान कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों को समझा रहे हैं कि हमारे साथ रहने से तुम्हारा हमारे प्रति जो प्रेम है इसकी वृद्धि नहीं होगी, जितना तुम लोग हमसे दूर रहकर और सदा सर्वदा
मेरा चिंतन करते हुए तन्मयो मई युंजाना, यदि तुम अपने मन को मुझ में ही नियुक्त करोगे तो उससे क्या होगा, अचिरात मांग अवाप्स्यत, तुम लोग अति शीघ्र मुझको प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान उपाय बता रहे कि हर समय किस प्रकार उनका चिंतन करना है, कृष्ण का ही चिंतन करना है। तो कहते हैं कि इसलिए तन्मय, मेरे चिंतन में मग्न हो जाना, ये तन्मयता, तन्मय हो जाना, और इस प्रकार अपने मन को निबद्ध करना कृष्ण में, तो फिर वो मन और कहीं नहीं जाएगा। जिसका मन एक बार कृष्ण के चरणों में उनके रूपों में निबद्ध हो गया है, उसका मन और कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण परम पुरुष भगवान है, सर्व आकर्षक है और सर्व माधुर्यमय है, माधुर्य का निलय है और सारे गुणों के भंडार है। तो जिसने कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है उसको और किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। श्रवणात दर्शनात ध्यानात मई भावानुकीर्तनात न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो ग्रहण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे प्राप्त करने का ये उपाय है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तुम लोग कैसे मुझे प्राप्त कर सकती हो, और इसके माध्यम से सारे मनुष्य समाज को भगवान कृष्ण ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि श्रवणात्, भगवान कृष्ण के संबंध में श्रवण करना भक्तों के मुख से, इसमें हमारी भक्ति वृद्धि होती है, श्रवण से हमारा हृदय शुद्ध होता है और कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। इसलिए श्रवण भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। बार बार ये हम नहीं सोच सकते कि हाँ ये सब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, बार बार भगवान की कथा का श्रवण करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और भक्त का भक्त की लीला कर रहे थे, भक्ति सिखाने के लिए आए थे कलयुग के लोगों को, तो वे जब कभी भागवत श्रवण करते थे तो हर समय बोलते थे ध्रुव प्रहलाद की कथा कहो, ध्रुव प्रहलाद का चरित्र श्रवण करते थे बार बार। सभी लोग जानते हैं ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को, किंतु चैतन्य महाप्रभु बार बार श्रवण करते थे, क्योंकि उससे ही भक्ति की वृद्धि होती है, भगवान पर विश्वास वृद्धि प्राप्त होता है। तो बार बार हमें भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कोई भी भक्त श्रवण के प्रति कोई वितृष्ण भाव रखना नहीं चाहिए कि हम जानते हैं क्या श्रवण करेंगे, हमने सुना है एक बार, नहीं। भगवान की कथा अमृतमयी है, उसको जितनी बार हम सुनेंगे हमारे लिए नित्य नूतन होकर हमारे सामने भगवान की कथा प्रकट हो, भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे कथा में। तो इसलिए कहते हैं कि श्रवणात् दर्शनात्, तो भगवान की कथा का
नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। नित्यं भागवत सेवया, नित्य प्रति भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। ग्रंथ भागवत की सेवा करनी चाहिए, भक्त भागवत की सेवा करनी चाहिए। ये भक्ति वृद्धि में सहायक होते हैं। और क्या करना है? दर्शनार्थ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे दर्शन करना है, तो भगवान कृष्ण का दर्शन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये ब्राह्मण पत्नियां तो बहुत सौभाग्यशाली थी जो साक्षात कृष्ण का दर्शन कर रही थी। तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो इतना सौभाग्यशाली नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने श्री विग्रह मूर्ति के रूप में मंदिरों में हमारे सामने प्रकट है। भगवान और उनकी मूर्ति में कोई भेद नहीं है, इसलिए मंदिर में आकर प्रतिदिन भगवान कृष्ण श्रीमती राधारानी इनके विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान विराजमान है अपनी मूर्ति रूप में। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दर्शनार्थ मेरी मूर्तियों का दर्शन करना प्रतिदिन, और ध्यानार्थ और सदा सर्वदा मन में कृष्ण के रूप गुण लीला का ध्यान करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करना चाहिए और मन में चिंतन करना चाहिए भगवान के रूप गुण लीला। पुनः कहते हैं मई भावानुकीर्तनार्थ, और भक्ति भाव से हमने जो कुछ सुना है उसका कीर्तन करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन हम कर सकते हैं, भगवान के कथा कीर्तन भी कर सकते हैं, ये दोनों हमें शुद्ध करने में समर्थ है। भगवान की कथा का कीर्तन और नाम संकीर्तन, इसलिए हम जप करते हैं और ना जब इकट्ठे होते हैं तो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तो हम जो कुछ भी जानते हैं उसको दूसरों को बताना भी चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हम लोगों ने जो भी सुना है, हम जो कुछ भी जानते हैं, हम दूसरों को बताएं, उससे उसका भी मंगल होगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा हम जिसको बताएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान, तो मेरी कथा के श्रवण से, ध्यान से, दर्शन से और मेरे नाम गुण लीलाओं के कीर्तन से जिस प्रकार मेरे प्रति प्रेम का उद्रेक होता है, न तथा सन्निकर्षण, मेरे पास रहने पर ऐसा नहीं होगा। कभी कभी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैमिलरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अति परिचय हो गया तो उसमें सम्मान का भाव नहीं रहता। तो इसलिए भगवान के चिंतन दूर रहकर, भगवान कृष्ण के विरह में उनका चिंतन अधिक होता है। जब व्यक्ति पास में होता है उसके बारे में हम उतनी चिंता नहीं करते हैं, जब वही व्यक्ति दूर में होता है, प्रिय व्यक्ति, हम उसके बारे में चिंता करते हैं। जो व्यक्ति आज हमारे पास है कल नहीं रहेगा उसके बारे में हम अधिक चिंता करें। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ना तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए तुम लोग घर लौट जाओ और इस प्रकार सदा सर्वदा मेरी कथा का श्रवण करो, मेरी मूर्ति का दर्शन करो, सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो,
इससे तुम्हारे प्रेम में और वृद्धि होगी। तो जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तो यहां पर हम देखेंगे कि गोपियों को भी ऐसा ही आदेश दिया था कृष्ण, किंतु गोपियां लौट करके नहीं गई, किंतु ब्राह्मण पत्नियां लौट करके गई कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए। तो इसका अर्थ क्या है कि ब्राह्मण पत्नियों का प्रेम थोड़ा कम हो गया? नहीं, गोपियों के समान इनका भी प्रेम था कृष्ण के प्रति, ये केवल कृष्ण का आदेश पालन कर रही थी। और जब से वो घर पर गई, लौट गई, तो उनके पति लोग ने कुछ नहीं कहा उनसे। ये लोग जो सोच रहे थे ये लोग हमें ग्रहण नहीं करेंगे, पतियों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। तो अंतर से उनमें भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों को ज्ञान प्रदान कर दिया है अपने संबंध वो कौन है। तो पतियों ने इसलिए कुछ नहीं कहा, पत्नियों को ग्रहण किया, भ्राता पुत्र आत्मीय स्वजन सभी ग्रहण कर गए, कोई दिक्कत नहीं। किंतु ये ब्राह्मण पत्नियां जब से लौट करके गई कृष्ण के पास से घर पर, तभी से वो कृष्ण प्रेम में इतनी विह्वल रहती थी सदा सर्वदा, कभी रोती थी, कभी कृष्ण के संबंध में बोलती जाती थी, कहीं उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता था, और कभी कभी वाणी गदगद हो उठती थी। इस प्रकार प्रेम के विकार परिलक्षित होते थे उनके शरीरों में। इसका अर्थ है कि उनका पुराना शरीर नहीं रहा, उनका शरीर अब दिव्य शरीर बन गया था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का स्पर्श किया है, चरण स्पर्श, कृष्ण का दर्शन किया है। तो भौतिक शरीर में कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो उनका दिव्य शरीर बन गया था। इसलिए तभी से उनके पतियों के साथ उनका संबंध नहीं रहा, जो भौतिक संबंध वो नहीं रहा, वो सदा सर्वदा कृष्ण के चिंतन में मग्न रहती थी और उनका शरीर दिव्य बन गया था। किंतु जब ये ब्राह्मण पत्नियां जा रही थी कृष्ण के लिए अन्न व्यंजन आदि पात्रों में भर करके लेकर जा रही थी, और उनके पतिगण भ्राता पुत्रगण रोक रहे थे, अपने स्वजन में रोक रहे थे, तो इन ब्राह्मण पत्नियों ने तो नहीं माना, वो चली गई। एक ब्राह्मण पत्नी थी जो जा नहीं पाई, उसके पति ने उसको रोक लिया बलपूर्वक, वो जा नहीं पाई, उसको बंद कर दिया घर में। तो उस ब्राह्मण पत्नी ने क्या किया कि वो इतना व्याकुल थी कृष्ण से मिलने के लिए, और जब ये लौट करके आई दूसरी ब्राह्मण पत्नियां उनके मुख से सुनी कृष्ण के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, वो इतना विह्वल हो उठी कि तुरंत उसने अपना भौतिक शरीर वहीं त्याग दिया कृष्ण का चिंतन करते हुए, कृष्ण प्रेम में, और दिव्य शरीर प्राप्त होकर वो कृष्ण से जाकर मिली वो ब्राह्मण पत्नी। तो उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, और जो ब्राह्मण पत्नियां गई थी कृष्ण से मिलने के लिए उनको भी दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जब ब्राह्मणों ने देखा
कि अब उनकी पत्नियां तो पूर्व की तरह उनसे ना तो बातचीत करती है ना घर गृहस्थी का काम देखती है, और सदा सर्वदा कृष्ण के चिंतन में मग्न रहती है। और ब्राह्मण के हृदय में भी भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम कृष्ण को पहचान नहीं पाए। कृष्ण बलराम को हम साधारण मनुष्य समझते रहे। अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्नतप्यन कृतागसः यद विश्वसरयो यंचन अहम्मनु विडम्बयो। तो अपने पाप कर्म के लिए, क्योंकि ये पाप कर्म हो गया ब्राह्मण के द्वारा कि भगवान किसको अन्न मांग रहे हैं और ये लोग नहीं दे रहे हैं भगवान को, जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, सारे संसार को खिलाते हैं, पोषण करते हैं। यदि भगवान को भूख लगी है, क्या उनको मांगने की आवश्यकता थी? भगवान को तो ऐसे भूख लगती ही नहीं, भगवान कभी भूखा नहीं होते हैं, किंतु यहाँ अभिनय कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं भूखे होने का। इसका अर्थ क्या है कि इन ब्राह्मणों को भगवान कुछ अवसर दे रहे थे, कृपा करने का अवसर। ये ब्राह्मणगण यदि भगवान को थोड़ा देते अन्न, ये कृपा प्राप्त होते उनकी पत्नियों के समान, किंतु ये इतने मूर्ख निकले ये ब्राह्मणगण कि भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनको अन्न तक नहीं दिया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, भगवान हम पर कृपा करना चाह रहे थे, हमने उस कृपा को ग्रहण नहीं किया, हमारा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं अपने कृत्यों पर ब्राह्मणगण। दृष्ट्वा स्त्रीणां भगवती कृष्ण भक्तिं अलौकिकीं आत्मानं च तया हीनं अनुतप्ता व्यग्रः। तो इन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को देखा कि इन ब्राह्मण पत्नियों में भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक भक्ति है, ऐसी भक्ति साधारण रूप से नहीं दृष्टिगत होती, ये अलौकिक भक्ति का आचरण ये स्त्रियां कर रही है कृष्ण के प्रति। तो इसको देखकर ये अपने को अत्यंत दीनहीन समझने लगे ये ब्राह्मण का, कि कहाँ हम, हमारी पत्नियों के गुरु हमें होना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का गुरु होता है, होना चाहिए, किंतु इन ब्राह्मणों ने गुरु का कार्य नहीं किया। गुरु का कार्य क्या है कि अपने शिष्य को भगवान के पास जाने के लिए मार्गदर्शन करना, और ये ब्राह्मण को ये करना था कि अपनी पत्नियों को किस प्रकार भगवान को प्राप्त होंगे मार्गदर्शन करना था। ये मार्गदर्शन क्या करेंगे, ये स्वयं मार्ग को समझ नहीं सके, इन्होंने गुरु का काम नहीं किया। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम क्या इनके गुरु बनेंगे, हमारी पत्नियों के, हमारी पत्नियां अब हमारे गुरु हैं, क्योंकि अब वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो चुकी हैं और हम दीनहीन कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते रहे। तब पत्नियां हमारे गुरु हैं, इनसे हमें मार्गदर्शन लेना है अब, इसलिए अपने को धिक्कार कर रहे हैं ब्राह्मणगण। तो कहते हैं भिक जन्म न तीव्रत
जब तक धिक व्रतन धिक बहुज्ञता, तो कितनी बार धिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ब्राह्मण का, धिक धिक धिक। तो कहते हैं कि हमारे जन्म को धिक धिक्कार है, हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया, इस जन्म को धिक्कार है। क्योंकि ब्राह्मण का कर्म क्या होना चाहिए कि ब्राह्मण शास्त्र अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का उपदेश दूसरों को देते हैं, इसलिए ब्राह्मण को गुरु माना जाता है समाज के। और ब्राह्मणगण शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान को प्राप्त होते हैं और शास्त्र का अनुभव भी उनको होता है। ये भगवान को जानते हैं, ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण, ये भगवान को जानते हैं इसलिए दूसरों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। किंतु ये ब्राह्मण ये भगवान को क्या जाने, भगवान स्वयं उपस्थित हैं उनको नहीं जान पा रहे हैं, तो ये दूसरों का मार्गदर्शन क्या करें। इसलिए अपने जन्म को धिक्कार रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म को धिक्कार है कि हम ब्राह्मण पदवाच्य नहीं है। न त्रिवृत, और ब्राह्मण का जन्म तीन बार होता है, एक तो उनको द्विज कहा जाता है जो दो बार जन्म लेते हैं, एक तो पहली बार पिता माता से जन्म लेते हैं, द्वितीय बार जब उनका उपनयन संस्कार होता है जनेऊ धारण करते हैं, तो प्रथम जन्म शौक्र जन्म है जो पिता माता से जन्म, द्वितीय जन्म जो है ये सावित्र जन्म जो उपनयन संस्कार, और तीसरा जन्म जब याज्ञिक जन्म है जो यज्ञ करने के लिए दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमारे जो तीन प्रकार के जन्म है उसको भी धिक्कार है, हमारा उपनयन संस्कार को धिक्कार है और यज्ञ के संकल्प को भी धिक्कार है। यत्तद्धिक व्रतं धिक बहुज्ञतां, और हम जो व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, उपवास रहकर व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, उसको भी धिक्कार है। और बहुज्ञता, हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं, हमारा ज्ञान इतना है, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हमारी पंडिताई को भी धिक्कार, इस ज्ञान का क्या लाभ है। यदि कोई भगवान कृष्ण को नहीं जान पाता है तो उसके ज्ञान का क्या लाभ है। ज्ञान का उद्देश्य होता है कृष्ण को समझना, जिस प्रकार भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण वही कह रहे हैं, वेदेश सर्वेर अहंग वेद्य, समग्र वेदों में मैं ही केवल जानने योग्य हूं। तो इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके पांडित्य अर्जन करके कोई कृष्ण को नहीं जान पाता है तो उसके जन्म को धिक्कार है, उसके पांडित्य को धिक्कार है। एक बार हम एक ऐसे पंडित से मिले थे, बनारस के पंडित थे, ट्रेन में जा रहे थे तो मिले उनसे। पंडित हमें जब मिले तो भगवत गीता पर हमारी चर्चा हुई, तो पंडित जी मुझे कह रहे हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा, वो मुझे समझा रहे हैं कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा। हमने पूछा कि किसने कहा है, ना भगवान ने कहा। हमने कहा भगवान कौन है, ना परम ब्रह्म भगवान। हमने कहा कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है, ना नहीं, ये उनका पांडित्य है। भगवत गीता में अर्जुन कह रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभु आहुस्ता ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवलो व्यास स्वयं च ब्रवीषि मे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है,
और केवल मैं आपके सखा के नाते ये नहीं कह रहा, आहुस्ता ऋषय सर्वे, सारे ऋषिगण भी यही कहते हैं, देवर्षि नारद असित देवल व्यास सभी लोग कहते हैं, और आप भी स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। और ये पंडित गीता पढ़ के इनको यही ज्ञान हुआ कि कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं है, उन्होंने गीता नहीं कहा, ये उनका पांडित्य है। तो इस पांडित्य से क्या लाभ है, इस पांडित्य को धिक्कार, ये ब्राह्मण गण इसलिए धिक्कार कर रहे हैं अपने को। धिक कुलम, ब्राह्मण कुल में जन्म होना भी ये हमारे लिए लज्जा की बात है कि ब्राह्मण बनकर हमें भगवान को जानना चाहिए और भगवान उपस्थित है, हम उनको पहचान नहीं पा रहे, उनको साधारण मनुष्य समझ रहे। धिक क्रिया, और हम जो कर्म करते हैं ब्राह्मण का कर्म उसको भी धिक्कार है। ये पांडित्य, ये ब्राह्मण कर्म से क्या लाभ है यदि हम कृष्ण को जान नहीं पाए, कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाए। दाक्षम विमुख आ जाए तो अधुख्य दे, और हम जो अपने को बहुत दक्ष मानते हैं, हम बहुत प्रवीण हैं ब्राह्मण कर्म करने में, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे होते हैं गर्व का अनुभव करते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत दक्ष ब्राह्मण हैं, हर कर्म जानते हैं ब्राह्मण का, क्या लाभ है उस कर्म का यदि कोई कृष्ण को समझ ना सके। तो कहते हैं विमुख ये तो अधोक्ष, ये यदि कोई कृष्ण का विमुख है तो इसका ये सारे कर्म वृथा। और ब्राह्मण गण अपने अनुभव से ये कह रहे हैं। अब नूनं भगवतो माया जोगिनं अपि मोहिनी जद वयं गुरुवो नृणं स्वार्थे मुह्य महे द्विजा। तो ब्राह्मण गण कह रहे हैं कि ये भगवान की जो माया शक्ति है ये सबको मोहित कर देती है, और उस माया शक्ति के कारण हम भगवान को पहचान नहीं पाते। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मांग एव यो प्रपद्यन्ते माया नेतं तरन्ति। तो भगवान कहते हैं स्वयं कि मेरी माया शक्ति को अतिक्रम करना ये बहुत कठिन है, इसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता, किंतु मांगे वो यो प्रपद्यंत, जो मेरी शरण में आता है वही केवल मेरी माया शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। तो ये ब्राह्मण गण अनुभव कर रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति ने हमें मोहित कर दिया, जिसके कारण हम उनको पहचान नहीं सके, उनको साधारण मनुष्य समझने लगे, क्योंकि हम भक्त नहीं थे भगवान के, इसलिए माया मोहित हो गए। और जो भक्त हैं वो माया के द्वारा मोहित नहीं होता, उनकी पत्नियां भक्त थी इसलिए माया द्वारा मोहित नहीं हुई, और ब्राह्मणगण भक्त नहीं थे इसलिए माया द्वारा मोहित हुए। तो कहते हैं कि यद्यपि हम लोग जगत के गुरु हैं, समाज के गुरु हैं, ब्राह्मण लोगों को गुरु माना जाता है, किंतु हम लोग अपने स्वार्थ में इतना मग्न रहे और मोहित हो गए कि हम गुरु का कार्य नहीं कर सके, स्वयं भगवान को पहचान नहीं सके, तो हम दूसरे लोगों को, समाज को क्या दिग्दर्शन दे सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार पश्चाताप कर रहे हैं ब्राह्मण का। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्ण जगत गुरु
दुरंत भावं जो अभिध्यत मृत्युपासन गृहाभिधान। तो आप अपनी पत्नियों की प्रशंसा कर रहे हैं ब्राह्मण का, कह रहे हैं कि अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्ण जगत गुरु। अब देखो इन स्त्रियों का कैसा सौभाग्य है कि जगत गुरु भगवान कृष्ण के प्रति इनका जो दुरंत भाव है, जो भक्ति है, जो गंभीर भक्ति है, इसका दर्शन करो। और इस भक्ति के कारण उन लोगों ने पारिवारिक बंधन को छिन्न किया है, काट दिया है पारिवारिक बंधन को। और केवल पारिवारिक बंधन नहीं है, मृत्यु के पास को भी उसका भी छेदन किया है, उसको भी काट दिया है मृत्यु पास को। तो जो भगवान का भक्त बनते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है साधारण व्यक्ति की तरह। साधारण व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, यमराज के दूत आते हैं उसके पास लेने के लिए, और मृत्यु पास में बांध कर उसको ले जाते हैं यमराज के पास। किंतु जब भक्तों की मृत्यु होती है उस समय यमदूत उनके पास नहीं आते हैं, ये यमराज का आदेश है अपने दूतों को। आप लोग जानते होंगे अजामिल उपाख्यान में, तो यमराज ने आदेश दिया था अपने दूतों को कि भक्तों के पास कभी भूल से भी मत जाना है। तो यमदूत कभी नहीं आते हैं भक्तों के पास। कौन आते हैं उनके पास? भगवान विष्णु के दूत आते हैं और विमान लेकर आते हैं भक्तों को भगवान के धाम ले जाने के। तो ये ब्राह्मणगण कह रहे हैं कि इन लोगों ने, हमारी पत्नियों ने, इन स्त्रियों ने मृत्यु पास का भी छेदन कर दिया है, पारिवारिक संबंधों का छेदन किया है और मृत्यु पास का भी छेदन किया है, जो हम नहीं कर सके, अपने को धिक्कार रहे। नासं दिजाति संस्कार न निवास गुराव। तो कह रहे हैं कि हम लोग दिजाति संस्कार को प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मण संस्कार को प्राप्त हुए हैं, जैसे उपनयन संस्कार हैं, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने का जो संस्कार है इसको हम ग्रहण किए हैं, किंतु इन स्त्रियों ने कोई संस्कार ग्रहण नहीं किया है, ना उनका उपनयन हुआ है, ना ये दीक्षा कर सकते, यज्ञ कर सकती है, ना निवास गुरावती। और हम लोगों ने गुरुकुल में निवास किया है शास्त्र अध्ययन करने के लिए, तो प्राचीन काल में गुरुकुल की व्यवस्था थी और 5 वर्ष के बालकगण जाते थे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, गुरु के आश्रम में रहते थे और शिक्षा प्राप्त होते थे। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम लोग तो गुरु के आश्रम में गए थे, वहाँ निवास किया था, और गुरु के आश्रम में रहना ये बहुत तपस्या का कार्य है, वहाँ तपस्या करनी पड़ती है गुरु के आश्रम में, वहाँ भोग उपलब्ध नहीं होता है। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि गुरु के आश्रम में हम लोगों ने निवास किया है, ये स्त्रियाँ तो गुरु के आश्रम में गई नहीं है। ना तप, हम लोगों ने तपस्या की है, इन लोगों ने तपस्या नहीं की है, इन स्त्रियों ने। ना आत्मीमांसा न शौच न क्रिया सुभा, इन लोगों की कोई आत्मानुभूति नहीं है और शौच भी नहीं है,
उसके साथ साथ ना तो कोई ब्राह्मण के क्रियाकर्म ये जानते हैं। तथापि ही उत्तम श्लोक है, कृष्ण योगेश्वरेश्वरे भक्ति दृढ़ न चास्माकम संस्कारादि मतंगपि। किंतु यद्यपि इन स्त्रियों में कोई ब्राह्मण का संस्कार नहीं है, हम लोगों ने उस संस्कार को प्राप्त किया है, इन स्त्रियों ने प्राप्त नहीं किया है, फिर भी उनमें भगवान कृष्ण उत्तम श्लोक, जो उत्तम श्लोकों से जिनका यशगान किया जाता है और जो योगेश्वरों के योगेश ईश्वर हैं, तो ऐसे भगवान कृष्ण में इनकी अहेतु की भक्ति है इन स्त्रियों की। तो ये दृढ़ भक्ति को ये प्राप्त हुए, ये सब कुछ नहीं करती हुई, हम लोगों ने सब कुछ किया है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी हम लोग में ये सब करने के उपरांत भी कृष्ण में दृढ़ भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, किंतु इनमें हो गई, कृष्ण में दृढ़ भक्ति उत्पन्न। तो इसलिए हमारे ये सब त्याग तपस्या संस्कार इसको सब धिक है, धिक्कार कर रहे हैं इसको। ननु स्वार्थ विमूढ़ानं प्रमत्तानं गृहे हया अहो न स्मारयामास गोप वाक्यै सतांगति। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम लोग स्वार्थ विमूढ़ हो गए, वास्तविक हमारा क्या स्वार्थ है हम समझ नहीं सके। पहले तो ये लोग सोचते थे कि हमारा स्वार्थ है कि हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे और स्वर्ग को प्राप्त होंगे, इसलिए यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे ब्राह्मणगण, और भगवान के सखा गोपाल बालकगण उनसे अन्न याचना करने पर भी ये थोड़ा सा अन्न भी नहीं दे सके, ये सोच रहे थे कि हम अन्न क्यों दें और जब हम लोगों ने खाया नहीं इनको कैसे पहले दें, ये सब बात सोच रहे थे और सोच रहे थे कि यही हमारा स्वार्थ है। किंतु वास्तविक स्वार्थ को वो नहीं समझ रहे थे। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयायो बहिरर्थ मानिना। तो ये लोग विदु नहीं है, विद्वान नहीं है, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, जिन लोगों ने अपना परम स्वार्थ भगवान विष्णु को नहीं माना है, ये लोग उतना बुद्धिमान नहीं है। वास्तविक स्वार्थ भगवान विष्णु में, वही हमारे परम गति है, उसको स्वार्थ न मानकर थोड़ा सा क्षणिक भौतिक सुख को हम अपना स्वार्थ मान रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। और ब्राह्मणगण इसका अनुभव करते हुए कह रहे हैं कि ननु स्वार्थ विमूढ़ानं, हम अपने स्वार्थ को नहीं समझ सके, मोहित हो गए भगवान की माया शक्ति के द्वारा। प्रमत्तानं, और हम प्रमत्त हो गए, मत्त अर्थात जो पागल होते हैं, और प्रकृष्ट रूप में जो पागल है प्रमत्त, तो कह रहे हैं कि हम लोग सब पागल हो गए, हम घर में रहकर और इस प्रकार कर्मकांडीय पद्धति में मग्न होकर हम इतना मोहित हो गए कि अपने स्वार्थ को नहीं समझ सके, कि हमारा स्वार्थ गति भगवान विष्णु है इसको नहीं समझ सके। तो कह रहे हैं कि
अहो न स्मरयामास गोप वाक्य सतांगते। तो गोपों ने आकर कहा कृष्ण बलराम के बारे में, किंतु हम कृष्ण बलराम का स्मरण नहीं किए कि कृष्ण बलराम ही हमारी गति है, परम गति है, इसको हम नहीं समझ सके। भगवान कृष्ण गोप बालकों को ब्राह्मण के पास पहले क्यों भेजा था? वो तो सीधे ब्राह्मण पत्नियों के पास भेज देते, क्योंकि कृष्ण को पता था कि ब्राह्मण पत्नियां उनके भक्त हैं। तो गोपाल बालकों को सीधे उनकी पत्नियों के पास भेज देते और उनको अन्न मिल जाता, ये ब्राह्मण के पास पहले क्यों भेजा? इसलिए भेजा उन पर कृपा करने के लिए, ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए पहले उन्होंने भेजा। और भगवान कृष्ण जानते थे कि ये ब्राह्मणगण अपने स्वार्थ गति को नहीं जानते, इसलिए स्वर्ग कामी होकर यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, ये भगवत धाम जाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर रहे थे, या भगवान कृष्ण की पूजा के लिए यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर रहे थे। इसका अर्थ है कि वो कृष्ण को भूल गए थे। ये माया की गोद में ये सोए हुए थे, उनको जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने गोपाल बालकों को भेजा इनके पास अन्न मांगने के लिए, अन्न मांगने के बहाने भेजा। और ये भी कहा कि हमारा नाम भी बोलना उनके सामने कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वो मांग रहे हैं। इसलिए कहा कि ये ब्राह्मणगण सब माया के वशीभूत होकर सब माया की गोद में सोए हुए हैं, अपने स्वार्थ को नहीं जानते। इसलिए जब हमारे सखागण जाकर हमारे नाम का उच्चारण करेंगे उनके सामने, कृष्ण बलराम का नाम उच्चारण करेंगे, तो ये लोग अपनी निद्रा से उठेंगे, अपने स्वार्थ को समझ सकेंगे, किंतु फिर भी इन ब्राह्मणों की निद्रा भंग नहीं हुई, ये सोते रहे। कृष्ण बलराम का नाम श्रवण करने के उपरांत भी वे उठे नहीं। अब ब्राह्मणगण सोच रहे हैं कि भगवान ने हम पर कृपा करने के लिए भेजा था अपने गोपाल बालकों को, उनका नाम भी बताया, किंतु हम इतना मूर्ख हैं कि अपने स्वार्थ को नहीं समझ सके। तो कृष्ण ही सतांगति, जो सतांग अर्थात भक्तजन है, उनकी गति है भगवान कृष्ण। और ब्राह्मणगण कह रहे हैं भक्तों की गति जो भगवान कृष्ण है, हम उनको समझ नहीं सके। अन्यथा पूर्ण कामस्य कैबल्यादि आशिषं पते इसी तब्य किंग अस्माभिः इससे एतद् विडम्बनम्। तो ब्राह्मणगण विचार कर रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान है और पूर्ण काम है, भगवान की कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती, वो पूर्ण काम है, आप्त काम है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण होती इच्छा मात्र से। तो जो भगवान पूर्ण काम है, वो क्यों गोपाल बालकों को भेजे ब्राह्मण के पास कुछ अन्न के लिए? इच्छा मात्र से उनको अन्न प्राप्त हो जाता। तो ब्राह्मणगण सोच रहे हैं कि भगवान जो आशीषपति हैं, अर्थात जो कृपा करने में कृपा करने का प्रभु है, जो कृपा करते हैं, और यहाँ तक कि मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं, कैवल्यपति,
मुक्ति भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो पूर्ण काम है। इसी तब्बे और वो परम ईश्वर हैं, परम नियंत्रणकारी हैं, और हम लोग सब भगवान के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वो ईश्वर हैं, हम लोग इसी तब्बे हैं, अर्थात भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो इसी तब्बे किंग अस्माभी ईशस्य। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि जब भगवान परमेश्वर हैं और हम उनके अधीन हैं, उनके नियंत्रण में है, वो क्यों हमारे पास भेजते गोपाल बालकों को कुछ अन्न मांगने के लिए? ये भगवान की आवश्यकता नहीं थी, ये तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा उन्होंने किया, ये ब्राह्मणगण सोच रहे। तस्मै नमः भगवते कृष्णाय कुंठ मेदसे। अब ब्राह्मणगण अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की, कृष्ण को हम पहचान नहीं सके, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब वहीं पर यज्ञ स्थल में ये ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तस्मै नमः भगवते कृष्णाय अकुंठ मेधसे। भगवान कृष्ण को अकुंठ मेधस कहा गया, जिनकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती। हमारी बुद्धि कभी कभी भ्रष्ट हो जाती है, किंतु भगवान की बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होती, इसलिए उनको अकुंठ मेधस कहा गया। तो कहते हैं तस्मै नमः भगवते कृष्णाय। तो ये ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण को, जो परम पुरुष भगवान है, उनको प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं जन माया मोहित धियो भ्रमाम कर्म वर्तमसि। जिन भगवान कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव से हम लोग इस भौतिक संसार में कर्म फल भोग करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, जन्म के बाद जन्म ले रहे हैं, एक के बाद एक जन्म ग्रहण कर रहे हैं और अपने अपने कर्म फल भोग कर रहे हैं। ये भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से हम इस भौतिक संसार में इस प्रकार जन्म मृत्यु चक्र में संसार का कष्ट दुख भोग कर रहे हैं। सवेन आद्य पुरुषा स्वमाया मोहितात्मनम अभिज्ञातु अभिज्ञतानुभावानम खिन्तु अर्हत अतिक्रम। इसलिए अब भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के उपरांत ये ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके आप आदि पुरुष हैं और आपकी माया शक्ति के द्वारा हम लोग मोहित हो गए थे, इसलिए आपको पहचान नहीं सके, इसलिए हम लोगों को आप क्षमा कर दीजिए। अब उनको ज्ञान आया, ज्ञान का उद्रेक हुआ उनके हृदय में, वो ज्ञान को प्राप्त हो गया ब्राह्मणगण। और कैसे प्राप्त हुए? अपने पत्नियों के प्रभाव से। पत्नियां भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसलिए उनके प्रभाव से ये पतिगण भी भगवान को समझ सके। तो जब परिवार में एक कृष्ण भक्त बनता है तो कई लोगों को वो कृष्ण भक्त बना देता है, उसके प्रभाव से परिवार के सदस्य कृष्ण भक्त बन जाते हैं। अतः हमारी भक्ति इस प्रकार शुद्ध भक्ति होनी चाहिए कृष्ण में, जिस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों की थी, जिससे हम दूसरों को वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं सके,
इति स्वागम अनुस्मृत्य कृष्ण ते कृत हेलना। तो ये ब्राह्मणगण भगवान कृष्ण के प्रति जो अवहेलना की थी उसको स्मरण करके इति स्वागम अनुस्मृत्य अपने पाप का स्मरण करते हुए दिद्रुक्षव ब्रजम। तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे कृष्ण के पास और कृष्ण का एक बार दर्शन कर लेंगे। भगवान स्वयं यहाँ आविर्भूत हुए हैं वृंदावन में और पास में हैं, इसलिए हम लोग जाएंगे वहाँ, भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। हमारी पत्नियों ने तो दर्शन कर लिया, अब हम लोग जाकर दर्शन करेंगे, ये सोचा उन लोगों ने। किंतु कंसाद भीता न अचला, किंतु उनको कंस का भय था, इन ब्राह्मणों को। ये कंस के राज्य में रह रहे थे, मथुरा के लोग, कंस का अत्याचार होता था मथुरा में। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि यदि हम कृष्ण से कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाते हैं और कंस का गुप्तचर हर जगह घूमते फिरते हैं, तो कंस के गुप्तचर लोग जब देख लेंगे हम लोगों को कि हम कृष्ण के पास गए हैं, ये जाके कंस को बता देंगे और कंस हम पर अत्याचार आरंभ कर देगा। इसलिए भयभीत होकर, यद्यपि उनके मन में इच्छा हुई वो कृष्ण के पास जाएं, उनका दर्शन करें, किंतु भयभीत होकर प्राण के भय से वो कृष्ण के पास नहीं गए। तो ब्राह्मणों को ये डर सता रहा था कि कंस कहीं उनको दंडित ना करे, किंतु उनकी पत्नियों को ये भय नहीं था, कंस का भय नहीं था। इसलिए उन लोगों ने कभी सोचा नहीं, जब वो जा रहे थे कृष्ण से मिलने के लिए सब खाद्य पदार्थ लेकर, उन लोगों ने एक बार भी कंस के बारे में सोचा ही नहीं कि कंस हमें दंडित करेगा, कुछ करेगा, कुछ सोचा नहीं। ये उनकी दृढ़ भक्ति का प्रभाव था, क्योंकि ब्राह्मणगणों की भक्ति क्षीण थी, अब थोड़ी बहुत प्रारंभ हो रही है, इसलिए वो भयभीत थे, किंतु उनकी पत्नियां भयभीत नहीं थी, क्योंकि जब भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है, भगवान कृष्ण का चरण अभय चरण है, और जो भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है, वो निर्भय बन जाता है, भय रहित हो जाता, यहाँ तक कि प्राण का भय भी उसको नहीं रहता। जैसे प्रहलाद महाराज, यद्यपि प्राण संकट उपस्थित हुआ किंतु प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए। प्राण चला जाए किंतु हम भगवान कृष्ण का त्याग, उनकी भक्ति का त्याग नहीं करेंगे, ये भक्तों की दृढ़ निष्ठा है। इसलिए ब्राह्मण पत्नियां कंस से भयभीत तो नहीं हुई, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी, उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कंस के बारे में। किंतु ये ब्राह्मणगण सोच रहे हैं कंस के बारे में, क्योंकि इनकी भक्ति अब क्षीण है, थोड़ी सी उदित हुई है, अंकुरोद्गम हुआ है, अंकुर फूटा है, इसलिए ये भयभीत है। इसलिए कृष्ण पास में होते हुए भी वो कृष्ण के पास नहीं जा पाए। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग 4 दिन तक भगवान की कथा, उनके भक्तों की कथा का श्रवण कर रहे थे।
और वस्तुतः भगवान की कथा का श्रवण ही हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं और हृदय में भक्ति का उदय होता है। इसलिए आप लोग जब कभी भी अवसर प्राप्त करें, भगवान की कथा का श्रवण भक्तों के मुख से करें और भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के विग्रहों का दर्शन, जैसे भगवान कृष्ण ने बताया है, उनके प्रति प्रेम वृद्धि का उपाय, और सदा सर्वदा मन में कृष्ण का चिंतन, ये करते रहने पर हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को अपने हृदय में उदय कर सकते हैं और वही हमारे जीवन की सिद्धि होगी जब हम कृष्ण प्रेम का उदय कर सकते। वस्तु तो वही मानव जीवन की सार्थकता है। यदि मानव जीवन में हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं हो सके तो हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। अतः यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्तों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया है, परिवार को त्याग दिया है, पारिवारिक संपर्क को त्याग दिया है, सब कुछ त्याग दिया है केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो हम लोग उसी प्रकार हमारे जो महाजनगण, जो भक्तगण मार्गदर्शन किए हुए हैं उनके मार्ग पर चलें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले हम 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे और आज का कार्यक्रम उसके बाद समाप्त होगा। आप लोग हाथ ताली देकर उच्च स्वर में इस नाम संकीर्तन में अंशग्रहण कीजिए। हाँ हरे कृष्ण। आप अजामिल की कथा जानते हैं, जब अजामिल का मृत्यु का समय आया तो उस समय अजामिल ने क्या देखा? यमदूतों को देखा। यमदूत आए हुए हैं और उसकी आत्मा को बांध रहे हैं, बांध कर ले जाने के लिए उद्यत हो रहा है, और अजामिल भयभीत होकर यमदूतों को देखकर भयभीत होकर अपने पुत्र जो पास में खेल रहा था, छोटा बच्चा था जिसका नाम उसने नारायण रखा था, उसको पुकार रहा है। अजामिल भयभीत होकर पुकार रहा है, किंतु उसका सौभाग्य था कि पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था, इसलिए अंतिम समय में नारायण नाम उच्चारण किया। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में जो मेरा नाम स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है मेरे धाम को आता है। तो अजामिल क्योंकि बहुत बड़ा पापी था और यद्यपि उन्होंने नारायण नाम उच्चारण किया है भगवान के उद्देश्य नहीं अपने पुत्र के उद्देश्य, फिर भी वो सारे पापों से मुक्त हो गया, तुरंत भगवत धाम नहीं गया किंतु नाम उच्चारण करने से पापों से मुक्त हो गया। और नाम उच्चारण करने मात्र से सब विष्णुदूत आकर पहुंच गए वहाँ और उन्होंने यमदूतों को कहा कि तुम लोग नहीं ले सकते अजामिल की आत्मा को। क्यों? क्योंकि अब अजामिल पाप मुक्त हो गया। यमदूतों ने कहा कि तो पापी हम ले रहे हैं, तो विष्णुदूत ने कहा नहीं, अब तो पाप मुक्त हो गया क्योंकि नारायण का नाम उच्चारण किया है। तो यमदूत और विष्णुदूत में वार्तालाप,
उस समय हुई और बाद में यमदूत लोग चले गए, किंतु विष्णुदूत लोग तुरंत अजामिल को नहीं ले गए, उसको छोड़ दिया। तो अजामिल अब पश्चाताप कर रहा है अपने किए हुए कार्यों के लिए, और पश्चाताप करके उसने सोचा कि अब तो यमदूतों के हाथ में जाने वाला था, अब विष्णुदूत ने हमारी रक्षा कर दी नारायण नाम उच्चारण करने के कारण। तब उसने घर द्वार छोड़कर हरिद्वार चला गया और विष्णु मंदिर में उसने भक्ति प्रारंभ की। ऐसे बचपन में वो भक्ति करता था, किंतु असत्संग के कारण उसका पतन हो गया था। तो वहाँ पर विष्णु मंदिर में उसने भक्ति प्रारंभ की, और जब वो भक्ति में पूर्ण हो गया तो विष्णुदूत लोग आए उसको ले जाने के लिए, विमान लेकर आए बैकुंठ से। तो अजामिल बैकुंठ गए। अब प्रश्न उठता है कि अजामिल का मृत्यु का समय जब आया तो यमदूत आए थे उसकी आत्मा को बांधकर ले जाने के लिए, और श्रीमद् भागवत में वर्णन भी है कि जब यमदूत लेकर जाते हैं आत्मा को बांध करके, तो तप्त बालू में चलाते हैं उसको। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसका शरीर तो यहाँ रह गया, यमदूत आत्मा को लेके जाते हैं तो उसको कष्ट कैसे दिया जाता है। तो यमदूत लोग जब आत्मा को लेकर जाते हैं तो उसका भौतिक शरीर यहाँ पड़ा रहता है, और यमदूत लोग उस आत्मा को एक यातना शरीर प्रदान करते हैं। यातना शरीर होता है जो दंड भोग करने के लिए शरीर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, यातना शरीर। तो उसी शरीर में उसको ले जाते हैं, दोनों तरफ आग जलती है, ऊपर से उत्तप्त सूर्य आलोक है और नीचे बालू उत्तप्त है, इसमें चला करके लेते हैं आत्मा को, अर्थात उसके यातना शरीर को कष्ट होता है उससे। तो श्रीमद् भागवत में ये कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा वहाँ 12 दिन तक घर पर मृत्यु के बाद रहती है, क्योंकि यमदूत आकर तो तुरंत उसको लेके जाते हैं, फिर 12 दिन का रहने का प्रश्न कहाँ उठता है। और उधर जाकर फिर उसको दंडित करते हैं उसके कर्मों के अनुसार, दंडित करने के बाद फिर उसको जन्म दिया जाता है कर्म के अनुसार। तो यहाँ 12 दिन रहने का कोई कारण नहीं है, और न तो भागवत में ऐसा बताया गया है, ऐसा लोकश्रुति है, लोग बोलते हैं वो अलग बात है, किंतु शास्त्र में ऐसा बताया नहीं गया। आपके प्रश्न का उत्तर मिला ना, और कुछ डाउट रहा? ठीक, हरे कृष्ण।